हाय एवरीवन सी श्री चरणदीप कपूर ये वीडियो मैं रात के बारह बजे बना रहा हूँ तो इस वीडियो के अंदर हम चार मेन टॉपिक्स टच करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो कि बिटकॉइन ने सिक्सटी थाउजेंड का लेवल टच कर लिया सो कंग्रेचुलेशन टू ऑल इन्वेस्टर्स ऑफ बिटकॉइन एंड ऑल इन्वेस्टर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी ये काफ़ी मोन्यूमेंटल अचीवमेंट है बिटकॉइन के लिए अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है सिक्सटी का जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई का लेवल है ठीक है सो दैट विल बी द नेक्स्ट मेजर माइल स्टोन बिटकॉइन के लिए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन ऊपर क्यों जा रहा है ठीक है आप इस टाइम पे कौन सी ट्रेड्स ले सकते हो इसके वो मैं दो कैटेगरी कैटेगरी एंड सेफ कैटेगरी ठीक है एंड रिस्की एंड से, सेफ दोनों कैटेगरी के अंदर रिटर्न जो होगा वो मोर देन फिफ्टी हंड्रेड का होगा ठीक है उससे कम रिटर्न के अब ट्रेड्स हम नहीं लेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो जो भी रिटर्न हम लेंगे फिफ्टी Uh, से ज्यादा हंड्रेड परसेंट ज्यादा वाली ट्रेड से लेंगे एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरी पिछली ट्रेड जो थी उसका रिजल्ट क्या रहा ठीक है तो सबसे पहले तो डिस्कस करके बिटकॉइन आप क्यों जा रहा है ठीक है तो गाइज अगर आपको नहीं पता हो तो बिटकॉइन हाफनिंग आ रही है ठीक है बिटकॉइन हाफनिंग कब आ रही है तो आप गूगल करके देख सकते हो तो आपको ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि बिटकॉइन हाफनिंग अप्रैल के अंदर फर्स्ट हाफ में आ रही है तो ये वेबसाइट ट्वेंटी अप्रैल की डेट दे रही है बट ये डेट चेंज हो सकती है ठीक है बिटकॉइन के हाफनिंग आ रही है अब बिटकॉइन के हाफनिंग जिन लोगों को नहीं पता तो बिटकॉइन के हाफनिंग क्या होती है सो so बिटकॉइन के हाफनिंग होती है बेसिकली जो एक ब्लॉक माइन करने पे रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन का वो हाफ हो रहा है तो अभी करंटली अगर आप बिटकॉइन के ऊपर एक ब्लॉक को माइन करते हो तो आपको 6.25 बिटकॉइन मिलते हैं ठीक है ठीके? ये नंबर अब हाफ होके 3.125 हो जाएगा ठीक है तो इससे क्या होगा इससे न्यू बिटकॉइन कम हो जाएंगे जो सर्कुलेशन में आ रहे हैं एंड अगर बिटकॉइन की डिमांड कांस्टेंट रहती है तो अब सप्लाई कम होने की वजह से बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाएगी ठीक है और मार्केट के अंदर क्या होता है तो मार्केट के अंदर जो भी ट्रेडर्स अच्छे होते हैं अच्छे ट्रेडर्स हमेशा प्रोएक्टिवली डिसीजनस लेते हैं कोई भी चीज़ होने से पहले डिसीजन लेते हैं अच्छे ट्रेडर्स होने के बाद नहीं लेते हैं जो होने के बाद लेते हैं उनका रिटर्न भी अच्छा नहीं होता और यूजुअली ये रिटेल बिहेवियर होता है ठीक है जो भी अच्छे लेवल के ट्रेडर्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं बिग मनी होता है वो इवेंट होने से पहले लेते हैं तो अब उनको पता है कि इवेंट होने के बाद हार्वनिंग होने के बाद बिटकॉइन की प्राइस बढ़ सकती है क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड अगर कॉन्स्टेंट रहती है और सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाती है इसीलिए वो लोग बिटकॉइन को पहले से ही खरीदना शुरू कर देते हैं ठीक है थीके? इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि बिटकॉइन की जो ई टी लॉन्च हुए थे उसके अंदर अराउंड ट्वेंटी फाइव बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ वर बिटकॉइन जा चुके हैं ठीक है थीके? तो ट्वेंटी फाइव बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ वर बिटकॉइन सप्लाई से बाहर जा चुके हैं और अभी ई टी में होल्ड हो रहे हैं तो ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से बिटकॉइन की सप्लाई और कम हो जाएगी ठीक है तो ये तो डिस्कशन थी कि बिटकॉइन ऊपर कब जा रहा है अब ये तो था फंडामेंटल रीज़न टेक्निकल रीज़न तो अगर आप देखोगे टेक्निकल रीज़न तो बहुत आसान था मैंने आपको बहुत बारी बताया था कि बिटकॉइन अगर आप चैनल के पीछे वीडियोस जाके देख लोगे तो हर वीडियो के अंदर एक ही एडवाइस दिया था कि बिटकॉइन को खरीदो चाहे ऑप्शन से खरीदो चाहे फ्यूचर से खरीदो चाहे स्पॉट खरीदो आपको जैसे समझ आता है आपको जैसे आता है कॉल खरीदो पुट शॉर्ट करो जो मर्जी करो आपको जो समझ आता है वो करो एंड अगर, अगर आप उसका रिजल्ट देखोगे तो ये आ, तो ये उसका रिजल्ट है तो एक फ्यूचर ट्रेड ली थी फ्यूचर ट्रेड सजेस्ट की थी मैंने फिफ्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड के लेवल पे ठीक है फिफ्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड का लेवल ही क्यों वो मैं आपको थोड़ा वन आवर के टाइम पे समझाता हूँ अगर आप वन आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे तो वन आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिख जाएगा कि बिटकॉइन इतने दिन से बहुत इनारो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था ये रेंज थी चौदह फेबर को शुरू हुई थी और ट्वेंटी सिक्स यानी कि परसों तक गई थी तो 12 दिन के लिए बिटकॉइन एक हजार पॉइंट की बहुत ही नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था ठीक है अब इस रेंज के अंदर आप बहुत ईजीली बाय द डिप एंड सेल द टॉप कर सकते हो तो आप यहां पर खरीदो एंड यहां पर बेच दो तो, यहां पर खरीदो यहां पर बेच तो, दो यहाँ पर खरीदो यहां पर बेचो मार्केट ने आपको चार पांच मौके दिए थे कि आप बाय द बॉटम और सेल द टॉप कर लो एंड मैंने इसके अंदर क्या व्यू बनाई थी तो मैंने इसके अंदर व्यू बहुत सिंपल शेयर की थी कि यहाँ पर बिटकॉइन की बुलिशनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जब भी बुलिशनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो ऑप्शंस की ट्रेड हम यूजुअली तब लेते हैं जब हम अपना रिस्क मैनेज करना चाहते हैं जब हम प्रॉफिट चाहते हैं बट अपना रिस्क मैनेज करना चाहते हैं बट जब हमें रिस्क है ही नहीं जब हमें लगता है कि हमारी ट्रेड सही ही जाएगी जब हम श्योर होते हैं तो हम फ्यूचर्स की ट्रेड लेते हैं जैसा कि आप देखो मैंने यहाँ पर ये फ्यूचर्स की ट्रेड ली थी फिफ्टी के लेवल पे एंड उसके बाद मैंने होल्ड कर ली मैंने इसको ऊपर जाते हुए कहीं नहीं बेचा और जिन भी लोगों ने बिटकॉइन खरीदा होगा आपने ये देखा होगा कि ये ट्रेड शायद आपकी जिंदगी की सबसे आसान ट्रेड हो सकती है मतलब ये जो बिटकॉइन पचास हजार से लेकर साठ हजार तक गया है ये बीस परसेंट की जो रैली है इसके अंदर आप फाइव टेन ट्वेंटी एक्स की लेवरेज अगर ले लेते मतलब ये अगर आप फाइव एक्स की लेवरेज ले लेते ले 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 तो आपका कैपिटल डबल हो जाता अगर आप टेन एक्स की लेवरेज ले लेते ले 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 तो आपका कैपिटल तीन गुना हो जाता तो यही बहुत सिंपल आसान सी ट्रेड थी और अगर आप इसको देखोगे तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया इस रैली के अंदर मतलब अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो इसके अंदर कभी भी कोई मेजर रेड कैंडल बनी ही नहीं तो अगर आप किसी भी प्राइस पर खरीदते आपको कभी भी लॉस फेस ही नहीं होता ज्यादा मतलब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉस फेस हुआ होगा बट कितना लॉस है सिर्फ पाँच सौ छह पॉइंट का लॉस है मतलब वही कि अगर आप कभी भी बिटकॉइन को खरीद लेते इस पूरे टाइम के अंदर कभी भी आपको कभी भी लॉस ही फेस नहीं करना पड़ता ज़्यादा और अगर आपको ज़्यादा लॉस नहीं फेस करना पड़ता आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो तो जिन भी लोगों ने बिटकॉइन खरीदा उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया इनके अंदर और इस तरह की के ट्रेड्स के अंदर आप बड़ा पैसा लगा सकते हो और ये थोड़ी वंस इन अ लाइफ टाइम वंस इन अ वन ईयर टाइप ऑफ ट्रेड्स होती हैं ये तरह की ट्रेड्स बारी बारी नहीं आती तो अगर आप एक एज अ ट्रेडर अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो आपको इन तरह के ट्रेड्स को इन तरह के टाइम्स के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने का टारगेट करना चाहिए ठीक है तो ये चीज होगी अब हम डिस्कस करते हैं कि अब क्या ट्रेड्स लेंगे तो पहले तो फ्यूचर की जो ट्रेड चल रही है ऑलरेडी ले रखी है इट इज आई थिंक आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा तो ये अराउंड 1.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट है तो अगर आपको 1.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया है तो आप देख सकते हैं कि आप फिफ्टी का रिस्क ले सकते हैं ट्वेंटी का रिस्क ले सकते हैं मतलब आप ये देख ले कि मिनिमम इस ट्रेड के अंदर से एक लाख रुपए बना जाए ठीक है बहुत सिंपल है अब देखते हैं कि ट्रेड इसमें अंबर हम और क्या ले सकते हैं उसके लिए मैं सबसे पहले आपको डेल्टा के चैनल पे ले जाता हूँ तो डेल्टा के चैनल पे अगर आप जाएंगे तो मैंने यहाँ पर ट्रेड्स ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं तो इस वीडियो के अंदर हमने कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी डिस्कस की है जो हम ले सकते हैं तो ये वीडियो मैंने आपको छः दिन पहले डाली थी उससे पहले मैंने आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज विद लो रिस्क डाला था कि हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स आप ले सकते हैं कि जिस पे अपना रिस्क एक रुपया होगा और रिवॉर्ड छः रुपया होगा ये वीडियो मैंने दो हफ्ते पहले डाली थी एंड उससे पहले मैंने वीडियो डाली थी बुलकॉल स्प्रेड लाइव एग्जाम्पल के साथ तो इसके अंदर तो मैंने लाइव आपके लिए ट्रेड भी ले ली थी एंड इसके अंदर हमने ऑन वीडियो सिक्स हंड्रेड डॉलर्स का प्रॉफिट देखा था कुछ एंड ये वीडियो भी टू वीक्स पहले गई थी ठीक है तो आप ये स्ट्रैटेजीज आपने अगर ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेल्टा के चैनल पे पीछे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं एंड आप ये स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं ठीक है इसी के साथ साथ मैंने एक और स्ट्रैटेजी डाली थी कैश फ्यूचर आर्बिटराज की तो अगर आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि कैश फ्यूचर आर्बिटराज क्या होता है ठीक है जिस टाइम पे मैंने डाला था तो उस टाइम मैंने डाला था कि जब इस स्ट्रैटेजी का रिटर्न मिनिमम होगा तो पंद्रह परसेंट का रिटर्न होगा बट अगर आप अभी रिटर्न देते हैं तो अगर आप अभी की बात करते हैं तो अभी आप 0.13 परसेंट कमा सकते हैं आठ घंटे में 0.13 परसेंट अगर आप आठ घंटे में कमाते हैं तो आप साल के अंदर रफली 100 परसेंट कमा लेंगे अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये देखिए अगर आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रफली हंड्रेड का रिटर्न मिल जाएगा वन का रिटर्न और ये एक बहुत सेफ और रिस्कलेस लेस स्ट्रैटेजी है इसके अंदर आपको क्या करना है सिर्फ आपको स्पॉट बिटकॉइन खरीदना है एंड बिटकॉइन का इन्वर्स परपेचुअल सेल करना है इसका फंडिंग रेट पॉइंट वन परसेंट है आठ घंटे का तो आप आठ घंटे के अंदर ही पॉइंट वन परसेंट कमा लोगे दिन के अंदर आप पॉइंट फोर परसेंट कमा लोगे इसी तरह आप अगर आगे मल्टीप्लाई करते हो तो आप रफली हंड्रेड परसेंट ए पी आर वन फोर्टी परसेंट ए पी आर के हिसाब से रिटर्न कमा लोगे जब तक ये ट्रेड चलती रहती है तब तक आप सौ परसेंट के हिसाब से रिटर्न बना लोगे तो ये तो होगी सेफ ट्रेड अगर आपको इस ट्रेड के बारे क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं अब आते हैं रिस्की वाली ट्रेड पे तो एक ट्रेड स्ट्राटेजी जो मैंने अभी ले रखी है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं तो आपको स्क्रैच से बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आप सिक्सटी थाउजेंड की कॉल ऑप्शन को खरीद लीजिए अगर आप सिक्सटी थाउजेंड की कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं तो आपका ये प्रोफाइल बनता है मैंने पॉइंट फाइव बिटकॉइन की सिक्सटी थाउजेंड की कॉल ऑप्शन खरीदी है तो इसके अंदर मेरा मैक्सिमम लॉस टू फाइव टू जीरो डॉलर का है तो बिटकॉइन अगर जीरो पे भी चला जाता है मैं सिर्फ ढाई हज़ार डॉलर के लॉस में जाऊंगा एंड जैसे जैसे बिटकॉइन ऊपर जाता है मेरा पी भी और ऊपर जाता रहता है ठीक है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बिटकॉइन जब सत्तर का हो जाएगा तो मेरा साढ़े डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा अब ये जो डाउन साइड के ऊपर लॉस है ढाई हज़ार डॉलर का इसको कम कैसे करें तो उसके लिए मैं सेवेंटी थाउजेंड की कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं अब डाउन साइड के ऊपर लॉस सिर्फ फिफ्टीन हंड्रेड डॉलरस का गया ठीक है एंड अपसाइड प्रॉफिट जो है हमारा थ्री पॉइंट फाइव थाउजेंड डॉलरस है तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि वन रेशो टू रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए कि अगर आप एक रुपया रिस्क कर रहे हो तो आप दो रुपये कमा रहे हो तो ये इसका रिस्क टू रिवॉर्ड वन रेशो टू से भी बेटर है इस ट्रेड को और सेफ बनाने के लिए तो ये डाउन साइड लॉस अभी भी फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर है पर इसको और कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो सेवेंटी फाइव थाउजेंड की कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो अब इससे आपको क्या हो गया कि इससे आपकी जो ट्रेड है वो एटी फाइव थाउजेंड एटी थ्री थाउजेंड के ऊपर ही लॉस में जाएगी तो आप एटी थ्री थाउजेंड तक सेफ हो एंड इसी के साथ साथ हमने फिफ्टी थाउजेंड की पुट ऑप्शन भी सेल कर दी थी तो अगर आप ये ट्रेड देखते हो तो इस ट्रेड के अंदर आपका लॉस सिर्फ थ्री हंड्रेड का है और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड डॉलर का है तो तीन सौ डॉलर का लॉस है एंड फोर्टी फाइव हंड्रेड डॉलर फोर्टी सिक्स हंड्रेड डॉलर का प्रॉफिट है विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड एंड आपका जो लॉस है लॉस आपका एटी फोर थाउजेंड के ऊपर शुरू होगा एंड फिफ्टी थाउजेंड के नीचे तो फिफ्टी थाउजेंड से लेके एटी फोर थाउजेंड एक थर्टी फोर थाउजेंड पॉइंट्स की रेंज मतलब पचास परसेंट की आपकी रेंज बन ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट्स तो में लिख दीजिए एंड डेल्टा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ओके थैंक यू एवरीवन